शुभ नवरात्रि शुभ नवरात्रि भाई। हाँ शुभ नवरात्रि। जय लला, तुम मीटिंग में आया नहीं? वो भिड़े ने बोला था टाइम पे आ जाना और मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने सोचा अभी जाऊंगा तो भिड़े दो बात सुनाएगा, इसलिए नहीं आया। हाँ पर तुम कल रात को सोडा शॉप पर भी नहीं आए। वो तो कल हमारी बात हुई ना, मैं जरा थक गया था। ओ जेड़ा ब्रा, वो यारों से दिल की बातें नहीं छुपाते, और जितना भी छुपाने की कोशिश कर लो वो यारों को दिल की बातें पता चली जाती है। देखा पापी जी यहाँ पर नहीं है इसलिए आप परेशान हो ना। जेठा भाई, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, और इन सबसे ज्यादा मैं समझ सकता हूँ जीवन में जीवन साथी का होना कितना महत्व का है। तुम कैसे समझ सकते हो पोपटलाल, तुम्हारी कहाँ शादी हुई है? पता है भाई, शादी नहीं हुई तो क्या पता नहीं, ऐसा थोड़ी होता है भाई। ठीक है ना भाई, तो चिल्ला क्यों रहे हो, तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ ना। तुम बोलिए ऐसा रहे हो क्या, पता है क्या मत अरे मंजी का है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम्हें नहीं मालूम है, ये सब नहीं है ना, ऐसा थोड़ी होता है भाई। पटेल शांत हो। अरे हाथ की भाई धक्का क्यों मार रहे हो भाई, बोलो ना कि बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा। अरे सॉरी सॉरी, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ मेरे मास्टर, बैठ जाओ, तुम शांति से बात करो। देखिए हम यहाँ जेठा भाई से बात करने आए और तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। अरे झगड़ा नहीं कर रहा हूँ हाथी भाई, मैं तो सिर्फ बता रहा था कि इसकी शादी नहीं हुई है। भिड़ा अरे शांत हो जाइए, अब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलू? हाँ बोलिए बोलिए। जेठा भाई आप ऐसे उदास अच्छे नहीं लगते यार, तुझे हंसते हुए अच्छे लगते हो, हंसो ना प्लीज। हंसना तो मैं भी चाहता हूँ छोटी, लेकिन क्या करूं, भी दोस्तों से क्या छुपाना, दिल की बात बता ही देता हूं। मुझे ऐसा था कि इस बार नवरात्रि में दया आ ही जाएगी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सुंदर से बात हुई तो उसकी बातों से लग रहा है कि दया नवरात्रि में नहीं आएगी। ओ नहीं नहीं, बराबर कह रहा है टपुड़। अरे आप सब लोग हैं? नमस्ते चाचा जी। हाँ बैठो 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 बैठो। ओ चाचा जी, जेठालाल अभी मीटिंग में नहीं आया, कल सोडा शॉप पे भी नहीं आया था, तो सबको चिंता हुई तो सब मिलने चले आए, तो पता चला कि इस बार नवरात्रि में दया भाभी नहीं आ रही है, इसलिए जेठालाल उदास है। ओ यारो, ओ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ओ देखना जेठा ब्रा की ये मायूसी और उदासी शाम तक की ही मेहमान है, भाई शाम को अपना जेठा ब्रा देखना एकदम जबरदस्त तरीके से झूमना शुरू कर देगा। शाम को क्या? ओ गरबा जी गरबा। ओए देखना शाम को गरबा खेलते ही जेठा ब्रा की मायूसी और उदासी पूर्ण हो जाएगी। नहीं छोटी, मैंने तय किया है इस साल में नवरात्रि में गरबा नहीं खेलूंगा। क्या बात कर रहे हैं जेठा भाई, आप नवरात्रि में गरबा नहीं खेलेंगे? नहीं। अरे सॉरी छोटी, दया के बिना मेरे लिए नवरात्रि अधूरी है, इसलिए मैं इस साल नवरात्रि में गरबा नहीं खेलूंगा। क्या कह रहे हैं तू? बापूजी, दया के बिना गरबा खेलने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं। पापा अगर आप गरबा नहीं खेलेंगे तो टप्पू भी गरबा नहीं खेलेगा। टप्पू? पापा जैसे आपको पसंद नहीं है कि आपको कोई समझाए, वैसे ही अगर आप टप्पू को गरबा खेलने के लिए कहेंगे तो टप्पू को और भी दुख होगा। मम्मी और आपके बगैर टप्पू गरबा नहीं खेलेगा। अब जब बहू नहीं है, जेठिया और टप्पू भी गरबा नहीं खेलने वाले हैं, तो मैं भी गरबा नहीं खेलूंगा। बापू जी अरे जेठालाल, ये क्या बचपन है भाई, अरे तुम तीनों को भावुकता से नहीं सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए। बस ऐसे बोल दिया, ऐलान कर दिया कि हम तीनों गरबा नहीं खेलेंगे। सही बात है, अगर टप्पू गरबा नहीं खेलेगा तो पूरी टप्पू सेना गरबा नहीं खेलेगी ना। बराबर है। नहीं नहीं नहीं, देखा है ना, मैं आत्मारान तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेरो सेक्रेटरी होने के नाते
तुम तीनों को गरबा ना खेलने की परमिशन नहीं दे सकता। गरबा तो खेलना ही पड़ेगा। सॉरी भिड़े, सॉरी दोस्तों, इस साल नवरात्रि में गरबा नहीं खेलने का मेरा निर्णय फाइनल है। जय जिनेन्द्र। बोलो, हम लोग यहाँ पे जेठालाल का टेंशन दूर करने आए थे, उल्टा जेठालाल ने हमें टेंशन में डाल दिया। सही बात है यारो, सोच क्या रहे हो? वो चलो फटाफट चलते हैं, जेठालाल को फिर से समझाते हैं। नहीं नहीं सोड़ी, कोई फायदा नहीं है, वो अभी दया भाभी की याद में भावुक तसे भरा हुआ है, वो नहीं मानेगा। एक काम करे, हम अपने अपने घर जाते हैं और अपनी वाइफ से बात करते हैं, हो सकता है उनको कोई रास्ता मिल जाए। क्या हो रहा है इधर? सेठ जी, टप्पू सेठ जी का हमें गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि खेलने का खास इनविटेशन मिला, इसलिए हम लोग गरबे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। त्योहार के दिनों में मगन के भरोसे दुकान छोड़ के तुम लोग यहाँ गरबा की प्रैक्टिस कर रहे हो? कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, काम पे ध्यान दो। सेठ जी, आप गरबे की प्रैक्टिस करने के लिए मना कर रहे हैं? हाँ। गरबा प्रैक्टिस के लिए? हाँ, नाम मतलब मेरे सामने गरबे का। क्या हुआ सेठ जी? सेठानी जी अहमदाबाद से मुंबई नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए नहीं आ रही है। तुझे किसने बताया? आपके मूड ने हुई, सुंदर भाई से बात हुई। हाँ, क्या कहा सुंदर भाई ने? यही कि दया नवरात्रि में मुंबई नहीं आ रही है। सेठ जी, आप क्यों मायूस हो रहे हो? आप तो सुंदर भाई का स्वभाव जानते हो, कितना मजाक किया है उन्होंने, जरूर आपके साथ मजाक किया होगा। हाँ, नवरात्रि हो पर सेठानी जी ना आए हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेठानी जी गरबा के लिए उतनी ही उत्सुक है जितने हम पहली तारीख को पगार के लिए होते हैं। अरे बोला ना नटू काका, वो नहीं आ रही है नवरात्रि में। एक आइडिया बागेश्वर जी, हम लोग सब मिलके गरबा खेलते हैं तो फेटेलाल जी का मूड ठीक हो जाएगा। अरे फेट बावरी बेटा, वैसे आइडिया अच्छा है हाँ सेठ जी। क्या है सेठ जी, आपको भी नवरात्रि में गरबा खेलना होगा ना, तो हमारे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। मैं इस बार नवरात्रि में बिल्कुल गरबा नहीं खेलने वाला हूँ। सेठ जी, सेठ जी क्या मजाक कर रहे हैं आप, गरबा और आप में खेले वो ही नहीं सकता। लेकिन इस बार होगा, और सिर्फ मैं ही नहीं, बापू जी और टप्पू भी गरबा नहीं खेलने वाले। आई बात समझ में? अभी जाओ काम पे लगो। ये बावरी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? घर। जेठालाल जी आज नवरात्रि नहीं दिवाली के मूड में है। सिर जी सुना आपने, बावरी जी ने आपका नाम एकदम सही बोला। अरे बाप रे, दिवाली गई, हैलोवीन आ गया। बाय बागेश्वर जी, बाय बाय। चलो अभी तुम दोनों क्या खड़े हो, काम पे लगो। जी जी। तारक, तारक ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपके परम मित्र ने एक कैसा फैसला ले लिया जिसके कारण चाचा जी और टप्पू भी अब गरबा नहीं खेलेंगे? अरे उसके बिना खेलने में मुझे भी मजा नहीं आएगा। अरे क्या होगा इस बार नवरात्रि में? आपके मित्र हैं, आपको पता नहीं? हाँ भाई, मित्र हैं, परम मित्र हैं, माना, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता, हालात ने उसे ऐसा फैसला लेने पे मजबूर कर दिया। जेठा भाई आपके मित्र है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप आपके मित्र को समझाएं। तो क्या आपका मित्र लगा रखा है अंजलि? वैसे सही किया जेठालाल ने, बढ़िया आइडिया दिया, मैं भी नवरात्रि नहीं खेलूंगा। क्या? हाँ, जब तक मुझे इस काढ़े से और करेले के जूस से मुक्ति नहीं मिल जाती, मैं भी नवरात्रि नहीं खेलूंगा। मजाक कर रहे हैं आप? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अंजलि, मैं सीरियस हूँ। तारक प्लीज, अब आप रूठना छोड़िए, और आपके मित्र को कैसे समझाना है वो सोचिए। फिर आपका मित्र शुरू हो गई तुम अंजलि। हाँ तारक, ताकि आपके मन में ये बैठ जाए कि जेठा भाई आपके मित्र हैं, आप उनके फायर ब्रिगेड हैं, और आपको जेठा भाई को समझाना है, समझे? तुम्हें क्या लगता है अंजलि, कि मैं भूल गया हूँ कि हम दोनों परम मित्र हैं, या मैं उसका फायर ब्रिगेड हूँ? मुझे सब याद है, लेकिन अंजलि वो भी समझने की स्थिति में नहीं है। चाचा जी ने भी समझाने की कोशिश की तो उसने क्या कहा, मुझे मत समझाओ। तो मेरी बात भी नहीं सुनेगा वो, इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल फ्रीज हो गया है। सोचा हंस? नहीं कोमल,
मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा आपके पास ऐसी कोई दवाई नहीं है क्या जिसे पीने से जेठा अंकल दादाजी और टप्पू हमारे साथ गरबा खेलने आ जाए? नहीं बोली बेटा, अगर ऐसे सच में हो सकता तो इस पर मैंने कब का अमल कर दिया होता। आइडिया सोचो हंस। हाँ सोच रहा हूँ बेटा, और कोमल तुम दोनों भी सोचो। सुनिए क्या तू भी रोशन मैं भी रोशन, पर ये आइडिया वाली रोशनी आ ही नहीं रही है। सुन रोशन। सुना रोशन। तू तारा जी वो टट्टन जोशीलो आइडिया सोच ले जिससे जेठा भाई को नवरात्रि में गरबा खेलने आना ही पड़े। कोई बता इतने आ। हाँ जोशीला आइडिया चाहिए ना। पंगला शुरू। ओके। ओए बल्ले बल्ले, 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 ओए बल्ले बल्ले। जाले सोचे। तूने तो बोला वो जोश भरा आइडिया चाहिए तो इसलिए तो हम पंगड़ा मारे थे। अब पंगड़ा डालने से क्या ना जोश आता है, जब जोश आएगा तो जोशीला आइडिया भी तो आएगा। हाँ मम्मी पापा एकदम सही बोल रहे हैं। पापा ना चमचो। ओए बल्ले बल्ले, 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 ओए बल्ले बल्ले। खेला खेल गया छो। हाँ अगर जेठा भाई और टप्पू को कस के पकड़ोगे तो गरबा किसे खेलेंगे? सुनिए तू करेक्ट कह रही है, तो प्रॉब्लम होगी यार। ज्यादातर प्रॉब्लम या तो जय डलाल का साथ होता है या फिर जय डलाल का वजह से होता है। ये प्रॉब्लम और जय डलाल का डीप कनेक्शन। अय्यर इसमें जेठा जी की कोई गलती नहीं है। अगर जेठा जी चंपक चाचा और टप्पू ने इस बार गरबा नहीं खेला तो हमारे गोकुल धाम के नवरात्र में तो कोई मजा ही नहीं आएगा। यस यस बबीता, पर जय डलाल मानेगा या नहीं मालूम नहीं। अय्यर जैसे साइंस में हर एक प्रॉब्लम का एक सलूशन मिलता है वैसे तुम्हें कोई अच्छा सा लॉजिकल रीजन ढूंढो ना जिससे जेठा जी मान जाए। क्या बताऊं बबीता तुमको, ये जय डलाल का साइंस मेरे को समझ में ही नहीं आता। तो फिर कैसे समझाए जेठा जी को? बबीता अभी पूरा गोकुल धाम यही सोच रहा होगा कि जय डलाल को कैसे मनाया जाए। बबीता एक कप कॉफी दो ना, शायद मेरे को कुछ आइडिया आ जाए। अय्यर तो ये क्या है, कॉफी तो है कब से रखी है यहाँ पे? कॉफी तो ठंडा हो गया। ओ, अब घूम क्या रहे हो, चाय ठंडी हो गई आपकी। माधवी तुम्हें पता है ना यहाँ पे गड़ा परिवार की वजह से गोकुल धाम की नवरात्रि ठंडी पड़ रही है, तुम्हें चाय की पड़ी है। अभी टप्पू गरबा नहीं खेलेगा मतलब टप्पू से ना गरबा नहीं खेलेगी, टप्पू से ना गरबा नहीं खेलेगी मतलब अपनी सुरु गरबा नहीं खेलेगी। आप शिक्षक हो, आप शिक्षक हो। बोल। आपको याद दिला रही हूँ कि आप शिक्षक हो तो आप जेठा भाई को किसी स्टूडेंट की तरह समझाइए ना। माधवी जेठा मेरा स्टूडेंट नहीं है ना, जो मैं उसकी क्लास उसको समझाऊं। मतलब आज एक शिक्षक को कोई आइडिया नहीं आ रहा है? नहीं ना, आज एक शिक्षक का माइंड है ना ब्लैंक बोर्ड हो गया है। ये राम मेरे बादाम के सब पैसे डूब गए। बादाम के पैसे डूब गए मतलब? अरे कितने किलो बादाम के पैसे डूब गए? क्या हुआ एग्जैक्टली, खराब हो गया बादाम? कहाँ से लाई थी? नहीं नहीं खराब नहीं हुए हैं, वेस्ट हो रहे हैं। अरे यहाँ पे मुझे जेठाला का टेंशन है, गोकुलधाम की नवरात्रि का टेंशन है, तुम्हें बादाम की पड़ी है? ओहो आपका दिमाग तेज हो तंदुरुस्त हो इसलिए मैं आपको बादाम खिलाती हूँ, लेकिन आपको कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा है। ए, बाप रे माधवी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कसा है कि आप टेंशन लेंगे मैं टेंशन लूंगी, फिर टेंशन टेंशन में थोड़ी ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब मिलता है जब दिमाग शांत हो, तो शांति से सोचिए। क्या है दिमाग शांत होना तो शांति से इंसान सोच सकता है, उसको थोड़ा आइडिया आ सकता है। अशांत होना तो अभी तुम शांत रहो ना तो जो आइडिया मेरे दिमाग में आई है ना वो निकल जाएगी। मतलब आइडिया मिले? हाँ आज मेरे बादाम के पैसे बच गए। बोला बोला आइडिया बोला। आइडिया वेरी सिंपल, मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी की ना आपातकालीन मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें ये ठहराव पास करूंगा कि जो भी नवरात्रि नहीं खेलेगा ना उसको आगे के 3 महीने मेंटेनेंस डबल भरना पड़ेगा। सब मेरे बादाम के पैसे डूब गए। नहीं तुम्हें राव दे, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या इसी सिलसिले में हम लेडीज लोग अंजलि भाभी के घर मिल रहे हैं, तो कैसे भी करके हम लोग कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। और इस
इस साल भी गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। कमाल है, जेठा भाई चाचा जी टप्पू गरबा नहीं खेलेंगे, दया भाभी नहीं है तो गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि होगी कैसे? अष्टवरी, इसी वजह से घर में भी सबका मूड चला गया है। हाँ, मुझे तो दया भाभी की बहुत याद आ रही है। सोचिए बबीता जी, अगर हम दया भाभी को इतना मिस कर रहे हैं तो जेठा भाई चंपक चाचा टप्पू कितना मिस कर रहे होंगे। जेठा भाई चाचा जी और टप्पू गरबा नहीं खेलेंगे ये सही बात नहीं है, हमें कुछ तो करना चाहिए नहीं? हाँ। ये फ्रेंड्स, क्यों ना हम सुंदर भाई को फोन करके कहें कि अगर पॉसिबल है तो दया भाभी को गोकुलधाम भेज दे। एक्चुअली कोमल भाभी, मैं अब भी सुंदर भाई को फोन करती हूँ। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। थैंक यू। फोन माय डियर बहना के लिए ही फोन होगा, बात तो करनी पड़ेगी इनसे। बोले बोले माय डियर अंजलि बहन। अरे सुंदर भाई, कैसे हैं आप सब लोग? हम मजे में है भी और नहीं भी, और इसलिए आपको फोन किया है। नवरात्रि है इसलिए हम सब मजे में है, पर हाँ, पर मैं समझ गया, माय डियर बहना गोकुलधाम में नहीं है इसलिए आप मजे में नहीं हो, है ना? करेक्ट। अब प्लीज दया भाभी से हमारी बात करवाइए ना। हाँ प्लीज। सॉरी अनली बहन, बेना माँ के साथ माता जी के दर्शन करने के लिए यात्रा पर गई है। अगर बेना यहाँ होती ना तो अभी बेना को गोकुलधाम लाके आपके साथ मैं बात करा देता। सुंदर भाई प्लीज देखिए ना, जरा पॉसिबल हो तो दया भाभी को गोकुलधाम भेज दीजिए ना इस नवरात्रि में प्लीज। अय्या बहुत मोटी प्रॉब्लम थी गई छे। प्रॉब्लम क्या हुआ? एक्चुअली सुंदर भाई, टप्पू ने भी, अरे अरे माय डियर जीजा जी तो एकदम छोटे बच्चे जैसे हो गए, और अभी टप्पू और बापूजी भी उनका साथ दे रहे हैं। सुंदर भाई, बात भावनाओं की है, जेठा भाई चंपक चाचा टप्पू हम सब गोकुलधाम वासी हमारी दया भाभी को कितना मिस कर रहे हैं। जरा सोचिए सुंदर भाई, जेठा भाई चाचा जी टप्पू नवरात्रि में गरबा नहीं खेलेंगे तो गोकुलधाम में नवरात्रि नवरात्रि नहीं लगेगी। सुंदर भाई हमें लगता है आप ही कुछ कर सकते हैं, प्लीज 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 भाई प्लीज। अरे नहीं नहीं, गोकुलधाम की बहनों आप प्लीज मुझे प्लीज मत कहिए, और आप चिंता मत करो, माय डियर जीजा जी गोकुलधाम नवरात्रि में गरबा जरूर खेलेंगे, और साथ में बापूजी और टप्पू भी खेलेंगे। एक मिनट, मतलब दया भाभी वापस आ रही है राइट? अरे वो सब आप छोड़िए ना, आप गोकुलधाम में नवरात्रि की धाम धूम से तैयारियां शुरू कर दीजिए। मेरा आपको वचन है कि माय डियर जीजा जी गोकुलधाम की नवरात्रि में जोर शोर से डांडिया खेलेंगे। जेठा भाई सुंदर भाई की बात माने और गरबा खेले। सुंदर भाई ने जिस कॉन्फिडेंस से प्रॉमिस दिया है मुझे उनके प्रॉमिस पर भरोसा है, जेठा भाई चाचा जी और टप्पू हमारे साथ गरबा खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे। तो आपने कभी सुना है कि आग पेट्रोल की हिफाजत करे? लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है, आग ने पेट्रोल की हिफाजत करने की ठानी है। अभी जेठालाल और सुंदरलाल आग और पेट्रोल की तरह ही तो हैं, जब भी दोनों मिलते हैं छोटा मोटा धमाका जरूर होता है। इस बार जेठालाल ने पंप फोड़ा है, गरबा नहीं खेलेगा, सुंदरलाल ने भी अपने मिशन का ऐलान कर दिया कि जेठालाल को गरबा खिला के रहेगा। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा ये मुकाबला, एक सिर है दूसरा सवा सिर। अब देखने वाली बात यह है कि सुंदरलाल क्या करता है, जेठालाल को मना पाता है या नहीं मना पाता, क्या कोई ऐसा जाल फेंकता है जिसमें जेठालाल फंस जाता है, क्या जेठालाल मानेगा, और सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या सुंदरलाल दया भाभी को लेके आएगा, क्या सुंदरलाल अपना वादा पूरा करेगा, और क्या दया भाभी गोकुलधाम में आएगी। भाई इतने सारे सवाल के जवाब पाते पाते मेरा दिमाग गरबे की तरह गोल गोल घूम रहा है, लेकिन आपकी चिंता कर रहे हैं। खासकर मनोरंजन के दो डांडिया जब यहाँ टकराएंगे आपके घरों में ठाके फूटेंगे, बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।